तो आइए चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा। ये हम लोग का होटल है, होटल हिल्टन इन। अभी ये बाहर की रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ। एक खास बात है, सारा कंस्ट्रक्शन मशीनों से होता है, जो वर्कर्स होते हैं बस खाली कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करते ही नहीं, मशीनों को चलाते हैं। सारा काम मशीनों से होता है, कोई हाथ से काम नहीं होता है। बस खाली मशीन भी रख दो, मशीन से लोड कर दो सामान, बिल्डिंग तैयार। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, यहाँ कोई ईंटे का इस्तेमाल नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप की ब्रिक्स है, उन सब का इस्तेमाल हुआ है। अपने मास्क को चढ़ा लेते हैं, कहीं फाइन ना देना पड़ जाए। ये देखिए, ये बाहर की रोड्स हैं, आपको एकदम बढ़िया नज़ारा दिखाते हैं। ये डुअल मोड हटाते हैं और बढ़िया नज़ारा दिखाते हैं। गाड़ियाँ तो ऐसी चमचमा हुआ है जैसे लग रहा है रोजे पोछते हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा है। मेरे कैमरे से तो उतना सही दिख नहीं रहा है, लेकिन तब भी आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यही यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, शायद इससे भी बड़ी एक और बिल्डिंग है, बट दिस इज़ वेरी फेमस। ये नॉर्मल रोड, यहाँ बिल्डिंगें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी और कितनी शानदार बनी है, आंखों और मन को मनमोह लेने वाली। ये हम लोग का होटल है, हिल्टन गार्डन इन, दिस इज अवर होटल। तो चलिए आपको अभी दिखाते हैं रिसेप्शन एरिया, लिफ्ट एरिया और अपना ऑफिस, मीटिंग रूम, और लिफ्ट से अपने रूम की तरफ चलते हैं। अपने रूम का थोड़ा सा व्यू देते हैं आपको, एक बढ़िया सा लुक देते हैं। दिस इज़ सम ग्रीनरी आउट ऑफ दिस होटल। यहाँ पे आप स्मोक कर सकते हैं, आके देखिए कितने स्मोकिंग, सारे सिगरेट्स पड़ी हुई हैं। होटल में स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। चलिए चलते हैं, दिस इज़ अवर रिसेप्शन एरिया, दिस इज़ रिसेप्शन। ये अपना ऑफिस, यही वाला हॉल है जो अपना ऑफिस का है। ये अपना ऑफिस हॉल, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, चाय के लिए सब कुछ सामान रखा हुआ है। यहीं पे सब लोग बैठ के काम करते हैं एक साथ इसी होटल में। एक नीचे हॉल टाइप है, यहीं पे सारी बेंच रखी हुई हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, राउंडेड बेंच। यहीं पांच छह लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह और काम करते हैं। तो पूरी 20-25 लोगों की टीम जो यहाँ पे काम करती है। चलिए अब लिफ्ट की तरफ चलते हैं। ये टॉयलेट एरिया है, मेंस प्लस जेंट्स, लेफ्ट राइट। अब लिफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ की लिफ्ट की खास बात है, जो आपके पास कार्ड है, जो रूम नंबर है, जो फ्लोर है, आप उसी पे जा सकते हैं, बाकी इस लिफ्ट से कहीं नहीं जा सकते। आपको उस कार्ड अपने यहाँ पे टच करना पड़ता है, ग्रीन लाइट चलती है, तब ये लिफ्ट चलती है। थर्ड फ्लोर, अभी केवल थर्ड फ्लोर पे जाएगी, हम फोर्थ फ्लोर पे नहीं जा सकते क्योंकि मेरा कार्ड केवल थर्ड फ्लोर रूम नंबर 338 के लिए है। तो चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ। सिम सिम थर्ड फ्लोर गली एरिया, अनलॉक द रूम, अनलॉक हो गया, ओपन करते हैं, चलते हैं अपने रूम की तरफ। सो ये हमारा रूम है, ओके। सो यहाँ पे ये लाइट्स ऑन ऑफ, ये टॉयलेट लाइट्स ऑन ऑफ। तो अभी आपको जो दिखाते हैं, सबसे पहले एंट्री पॉइंट में क्या है। एंट्री पॉइंट में हमने अपना बैग रख दिया लाके, और ये फर्नीचर्स हैं, यहाँ पे टीवी रखी हुई है, अपना
और अपना यहाँ पे चाय कप पानी जो भी उसका भी व्यवस्था है, केटल हॉट केटल रखी हुई है, गर्म कर सकते हैं। ये टीवी है, सारे दुबई चैनल आते हैं, हिंदी चैनल पूछना पड़ेगा बॉलीवुड आता है कि नहीं आता है। ये अपना लैपटॉप का बैग रख दिया। यहाँ इस रूम में सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ पे 3 फोन हैं। एक फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है सिटिंग एरिया पे, एक फ़ोन आपके बेड पे के बगल में रखा हुआ है, यहाँ पे साथ में कुरान भी रखी हुई है, अल्लाह हबीबी कुरान जय कुरान ओम नमः शिवाय। आपका तीसरा जो फ़ोन है ये देखिए, ये बाथरूम एरिया में रखा हुआ है। तो इस रूम में टोटल 3 फोन्स हैं। एक फ़ोन आपका रखा हुआ है आपके सिटिंग एरिया के बगल, एक आपका रखा हुआ है आपके बेड के बगल, और एक यहाँ पे टॉयलेट में। गजब है भाई गजब। रूम की थोड़ा लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि आपको एकदम व्यू बढ़िया दिखे। ये लाइट्स ऑन हो गई थोड़ा सा, ये देखिए ये रूम है, अभी थोड़ा सा उलझा हुआ है रूम का। आपको एक पूरा वाइड एंगल से लुक दे रहे हैं कैसा है रूम। ये कर्टन्स लगी हुई हैं, यहाँ पे कर्टन की एक खास बात है, यहाँ पे कर्टन्स पे एक स्टिक लगी हुई है, लंबी सी स्टिक लगी हुई है, उसी को पकड़ के आप इसको ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए खुल जा सिम सिम, दिस इज़ वन स्टिक। सो आप ये बड़े पर्दे को भी ऐसे हटा सकते हैं, और ये जो हल्का पर्दा है इसमें भी स्टिक है, इसको ऐसे हटा सकते हैं, आपको पर्दे को खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाहर का एरिया है इस बिल्डिंग के बगल, लग रहा है सारी होटल्स के लिए ही बिल्डिंग बनने, सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। असल में यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है, तो टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे बिल्डिंगों की भरमार पड़ी हुई है। ये अपना विंडो से लुक आ रहा है, कोई इतना खास लुक नहीं है, कंस्ट्रक्शन लुक है, बट फिर भी सह लेंगे। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है, और आ गया भाई ये भी स्टिक लगी हुई है। तो अभी क्या करते हैं, अपने कर्टन को बंद करते हैं और थोड़ा सा नाश्ते के बाद रेस्ट करते हैं। बंद हो जा भाई। ये अपना सिटिंग एरिया है, यहाँ पे एक थोड़ा सोफा टाइप का रखा हुआ है, ये डेस्क टाइप की रखी हुई है, ये ग्लास राउंड टेबल्स है, ये अपना लैंप्स है, एक सोफे के बगल रखी हुई है, एक अपना बेडरूम के इधर उधर लगी हुई है, ये अपना एसी का रिमोट कंट्रोल है, ये अपनी केवल यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यही एसी है, यही और अपना एसी भी है और वेंटिलेशन भी है। तो ये अपना हो गया। तो इस फर्नीचर में अंदर क्या रखा हुआ, यहाँ पे देखिए अपने डस्टबिन रखी हुई है, डस्टबिन बाथरूम में है। यहाँ पे अपना अपने हमने अपना रूम सेट कर रखा है, सामान नमकीन मास्क कंघा तेल सीसा पानी डाबर लाल दंत मंजन, और ये अपना ट्रिमर्स डेनियर का अपना परफ्यूम बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम नहीं है। फिर नीचे क्या रख रखा है, नीचे अपना थोड़ा सा अपना फ्लाइट की डिटेल्स वाले कागज़ और अपना RT-PCR टेस्ट, एक कॉपी छोटी सी, एक मेरी फेवरेट रेड कॉपी, माउस, ये सब चार्जर वगैरह, ये सिम कार्ड जो कि दिल्ली सॉरी जो दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम दिया गया था, दिस इज़ फ्री 5G है, 1 GB डेटा फ्री है फॉर 24 आवर, उसके बाद आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा कॉल के लिए भी। सबसे नीचे देखते हैं क्या रखा है नीचे। तो बस ये मिला था दिल्ली में, एक शील्ड मास्क और ये एक मास्क और पता नहीं क्या चीज़, 3 जनों का पुड़िया इसमें रखी हुई है, पता नहीं है। ये अपना एक फ्रिज है, इस फ्रिज में देखिए यहाँ पे अपना खजूर रखा हुआ है और पेठा रखा हुआ है जो पापा ने दिया था कल, ये दही लाए थे यहाँ नाश्ते में जो मिली, और आज भी एक दही ला के रख दी है। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, दिस इज़ पाइनएप्पल फ्लेवर योगर्ट, और दिस इज़ सिंपल योगर्ट, योगर्ट बोले तो दही। चलो ये थोड़ा सा खाली एरिया है, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं। हमने अपनी खाली बोतल्स देखिए, खाली बोतल्स यहाँ रखी हुई हैं और भरी बोतल्स यहाँ रखी हुई हैं। दिन में 4 बोतल्स मिलती हैं, 4 बोतल वोडका होता है मेरी, 4 बोतल पानी की होती है। तो 4 बोतल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को दिया जाता है वाटर। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा अपना, ये देखिए
ये क्या है, यहाँ पे अपने गंदे कपड़े रखे हुए हैं जो पहन के आए थे दिल्ली लखनऊ से। ये यहाँ पे अपना प्रेस कर सकते हैं, हटो भाई पैंट। क्या हो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए प्रेसिंग एरिया है। तो अपने जो भी कपड़े हैं वो आयरन कर सकते हैं। यहीं पे अपने शूज़ के लिए अपना प्लेस बना दी है हमने। तो अभी अपने स्लीपर्स यहाँ पे रख देते हैं। देखिए चप्पल बड़ा साथ दे रही है, दुबई में भी साथ दे रही है। 300 रुपये की चप्पल है, 300 रुपये की अपनी चप्पल है, लेकिन 4-5 साल चल गई, गजब हुआ है। जूता थोड़ा सही कर देते हैं, ये देखो। तो इसको बंद करते हैं ये साइड, नाउ दिस साइड ओपन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेफ बॉक्स हेयर ड्रायर इनसाइड, और अरब में भी लिखा हुआ है। तो ये अपना डिजिटल लॉकर है। ये अपनी वाटर बॉटल से घर से लाए थे फ्रूटी वाली, और जो भी अपनी यहाँ पे मिलती है वाटर बॉटल वो है। इसको ओपन करते हैं डिजिटल लॉकर। तो ये डिजिटल लॉकर ओपन हुआ। अपने यहाँ पे जो भी हमने अपने हार्ड डिस्क रखी हुई है, और पास ये हार्ड डिस्क है, ये अपने गवर्नमेंट आईडी से विद पासपोर्ट, ये सारे कार्ड्स हैं, ये अपना इंडियन रुपए वाला पर्स है, इसमें कुछ थोड़े बहुत रुपए रखे हुए हैं, और माता जी की फ़ोटो है। ये अपना जियो फाइबर है, और ये अपना पुराना मोटोरोला का चिटका वो मोबाइल है, बट चलता हुआ उसे 4 साल चला है, और चलाएँगे इसे भाई को 650-700 रुपये में, इसकी स्क्रीन बदला के फिर से चलाएँगे। नाउ अभी लॉक करते हैं, बंद एंड लॉक, नाउ दिस इज़ क्लोज। ये अपना, चलो इस एरिया क्लोज करते हैं। ये अपना एसी है, तो एसी में क्या, इसको टच करो। यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस पे लगा हुआ है, और अपना ये ऑटो है, यहाँ से देखोगे तो ये ऑटो पे है। तो इसको आप ऑटो कर सकते हो, इसको आप लो कर सकते हो, इसको आप मीडियम चला सकते हो, हाई चला सकते हो, तो हम ऑटो रखते हैं। और ये क्या है, पावर ऑफ, ये कूलिंग है, ऑफ हो गया, ये कूल हो गया है, ये कूल हो गया। बाकी जो भी यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जो भी टेम्परेचर सेट करना है, ये डिग्री सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में है, हम अपनी डिग्री सेल्सियस में लगाते हैं। और ये दो बटन किसी और काम के लिए हैं, मैसेज या कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। ये अपना यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है। तो इस फ़ोन में देखिए क्या क्या व्यवस्था है। इस फ़ोन में आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं, रूम सर्विस को कॉल कर सकते हैं, हाउसकीपिंग को कॉल कर सकते हैं, वेकअप जो भी इमरजेंसी डायल। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी, हमारा रूम नंबर 338 है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है। रूम टू रूम डायल करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा पहले 7+ रूम नंबर। लोकल कॉल्स के लिए देखिए क्या, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए, इंटरनेशनल डायल के लिए क्या दिया हुआ है, बट इंटरनेशनल यहाँ पे चार्जेबल है, बाकी रिसेप्शन और अपने रूम टू रूम कॉल सर्विस फ्री है। ये अपना बेड साइड लैम्प, इसको ऑफ करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक मस्त लाइट दी हुई है यहाँ पे, ये क्या लाइट है, ये टन CID वाली लाइट लग रही है। क्लोज कर देते हैं, चलिए अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम क्या, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी इसको सही कर देते हैं, तब आपको बेड का लुक दिखाते हैं। सो दिस इज़, ये मेरा बेड है, डबल बेड है, बट हम सिंगल ही काम चला रहे हैं इस समय, कोई नहीं। तो ये अभी क्या है, डबल बेड, मस्त बेड है भाई। ये अपना रूम, और अपने भाई को भी देख लीजिए आप, ये है आपका भाई। लाइट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, तो लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाया हुआ है, इस मास्क को हटा देते हैं, रूम में कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा टॉयलेट एरिया भी दर्शन करा देते हैं इसमें। ये बाथरूम है, यहाँ शावर एरिया है विद ग्लास प्रोटेक्टेड, ये कुछ प्लास्टिक या बहुत हार्ड मटेरियल है। टॉवल्स यहाँ पे भरमार दी गई है, एक टॉवल्स ये, एक टॉवल ये, नहाने के बाद टॉवल वो रखी हुई है, टॉवल हाथ पोछने के लिए यहाँ पे है। अपने कपड़े वपड़े यहीं सुखा लेते हैं इसी पे टांग के। ये अपना वेस्टर्न टॉयलेट है, ये अपना सिंक है, यहीं पे अपना दंत मंजन और ब्रश ये यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे कुछ होटल के जो भी हमारे यहाँ पे क्या है, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, शैम्पू, और भी फलाना ढिमकाना कंडीशनर यहाँ पे। ये देखिए अपना टिश्यू पेपर्स हैं, बाकी यहाँ पे नल में जो भी कह लो आप
ऐप में खास बात है जो फिजी में भी देखा था कि आप इसको अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉट वाटर आएगा। जब इसको राइट घुमा देंगे तो यहाँ पे कूल वाटर आएगा। और यही खासियत यहाँ पे भी है इस शावर एरिया में भी। तो अब जाते हैं रेस्ट करने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक आप लोग ये वीडियो पूरी इन्जॉय करिए। ये सुबह से उठे, नाश्ता किया, बाहर का लुक दिखाया आपको, होटल का पूरा लुक दिखाया, और अभी रूम का लुक दिखाया। चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।